गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ डॉक्टर अनिल एंड वेलकम टू स्टडी मोर चैनल। एज यू ऑल नो दैट वी आर गोइंग टू डू मोर स्टडी ऑन दिस चैनल, राइट? वी आर गोइंग टू कंप्लीट ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ एमबीबीएस सिलेबस एंड ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ऑफ एमबीबीएस सिलेबस। ओके, सो आवर एम टू क्रैक द नीट पीजी एंड वट एवर मीन्स नेक्स्ट एग्जाम इज गोइंग टू बी द गवर्नमेंट इज गोइंग टू कंडक्ट नेक्स्ट एग्जाम फ्रॉम नेक्स्ट ईयर आई थिंक। ओके, सो वट एवर एग्जाम इज गोइंग टू बी देर, सो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दैट एंड वी विल क्रैक दैट एग्जाम, डोंट वरी। सो जस्ट स्टे विथ मी एंड डू सपोर्ट। डू अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो लेट स्टार्ट। सो मातृदेवों को नमन करते हुए, मातृदेवता को नमन करते हुए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो गाइज, व्हाट आई वुड लाइक मीन्स लास्ट टाइम हमने देखा था कि लास्ट टाइम हमने ये सब देखा था, देखो राइट? लास्ट टाइम हमने देखा था फार्माकोलॉजी, देखा था फार्माकोलॉजी का डेफिनेशन, देखा था वो क्या होता है, फार्माकोलॉजी किस वर्ड से बना होता है वो देखा था। फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकोलॉजी किसने बनाई वो देखा था। रुडोल्फ बकेनन ने बनाई थी 1847 में, जर्मनी में बनाई थी वो। और उसके बाद जो आए थे ऑर्कर्ड शेंडनबर्ग, जो फादर ऑफ फार्माकोलॉजी है, जो 19th सेंचुरी में आए थे। उसके बाद हमने देखा था दो दो डिवीजन फार्माकोलॉजी के, जो इम्पोर्टेंट मोर डिवीजन है, जो फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। आपने सबने ये नाम तो सुने ही होंगे। सो फार्माकोडायनामिक्स के अंदर हमने जो लिखते समय लिखा था डी कैपिटल लिखा था, राइट? सो डी कैपिटल इसलिए लिखा था ताकि हमको याद आए डी फॉर ड्रग। सो यहाँ पर ड्रग का काम आता है। सो ड्रग हमारे बॉडी के साथ क्या करती है, इसका मतलब होता है फार्माकोडायनामिक्स। इसकी स्टडी मतलब फार्माकोडायनामिक्स, तो उसके अंदर आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो कौन कौन से लेवल पे, मैक्रो ऑर्गन और मैक्रो मॉलिक्यूलर लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे और सब सेलुलर लेवल पे, राइट? सो उसके बाद हमने देखा था फार्माकोकाइनेटिक्स, उसका मतलब होता है मूवमेंट। काइनेसिस का मतलब मूवमेंट होता है, इसका मतलब हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है वो हमने इसके अंदर हमको ये पढ़ना है। जिसका हमने निमोनिक्स या फिर शॉर्ट फॉर्म देखा था कि ADME, ए मीन्स एब्जॉर्प्शन, डी मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का, उसके बाद ई का एक्सक्रीशन होता है। सो एक्सक्रीशन कहाँ कहाँ से होता है ये सारा हम डिटेल्स में आगे जाकर पढ़ने वाले हैं। दिस वॉज ओनली इंट्रोडक्टरी वीडियो, सो दैट्स वाई वी स्टडीड ओनली इंट्रोडक्टरी वे। उसके बाद हमने देखा था ड्रग्स क्या होता है, ड्रग्स का डेफिनेशन क्या होता है, WHO के अनुसार क्या होता है, डिजीज ओरिएंटेड डेफिनेशन कौन सी है, उसके बाद मॉडिफाइड सब्सटेंस क्या होता है, कैसे क्या करता है। हमने दो डेफिनेशन देखे थे जो वो तो इम्पोर्टेंट है, और दिस डेफिनेशन इज नथिंग बट फ्रॉम दी KD त्रिपाठी टेक्स्ट बुक ओनली, राइट? एज वी हैव टू स्टडी टू बुक्स फॉर टू क्रैक अवर एग्जाम। सो ड्रॉगी, ड्रॉगी क्या होता है, ये फ्रेंच वर्ड है, ये जिसका मतलब होता है ड्राई हर्ब। वहां से हमने वर्ड लिया है ड्रग, और उसका मतलब एडिक्शन, अब्यूज और इलिसिटिव, सबसे इलिसिटिव और इलिसिटिव, या फिर उसको सब्सटेंस अब्यूज, या फिर ये सब भी बोलते हैं, सब्सटेंस भी बोलते हैं, राइट? सो ये सारा चीज हमने लास्ट टाइम देख लिया था। अब हम आगे चलते हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में। सो ड्रग्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, राइट? नॉमेनक्लेचर, ड्रग्स नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। सो आपको पता होगा, आपने जब केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उस समय नोमेनक्लेचर पता है था। तो ड्रग्स ये दो तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन उसके अंदर इसके पहले हम देख लेते हैं कि कीमोथेरेपी क्या होती है। कीमोथेरेपी ये होती है जो सिस्टमिक, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं मुद्दा देता हूँ, ये नॉमेनक्लेचर के अंदर नहीं आता है, राइट? सो तो फार्माकोथेरेपी थेरेपिटिक होता है, राइट? ये सब ब्रांचेस है उसके। सो हम कीमोथेरेपी क्या होता है, कीमोथेरेपी आपको बता दो, कीमोथेरेपी ये होती है, कीमोथेरेपी इज नथिंग बट द इट इज द ट्रीटमेंट विच इज गिवन फॉर द सिस्टमिक इन्फेक्शन एंड फॉर द मेलेगनेंसी। ओके, सो ये ऐसी है जो, ये वो ट्रीटमेंट है जो हम सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है बॉडी में, या फिर मेलेगनेंसी होती है। मेलेगनेंसी मीन्स वॉट, एनी कार्सिनोजेनिक इन ग्रोथ इन आवर बॉडी, राइट? इन इन पेशेंट्स बॉडी। सो उसके लिए जो ट्रीटमेंट दी जाती है उसको बोलते हैं हम कीमोथेरेपी, राइट? सो ड्रग्स अकॉर्डिंग टू इस बेसिस के ऊपर हम ड्रग्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो है, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है फार्माकोडायनामिक एजेंट, राइट? फार्माकोडायनामिक एजेंट, आई थिंक ये
व्यूएबल नहीं है ना, मैं लिखता हूँ फिर से, फार्माकोडायनामिक एजेंट, फार्माको डायनामिक एजेंट, राइट। सो फार्माकोडायनामिक एजेंट होते हैं, दूसरा होता है कीमोथेरेपेटिक एजेंट। सो इस तरीके से ड्रग्स को दो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फार्माकोडायनामिक एजेंट्स में हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम देखेंगे देखेंगे फार्माकोडायनामिक इफेक्ट, राइट। जो रिसिपियंट में, रिसिपियंट के अंदर फार्माकोडायनामिक इफेक्ट क्या होता है वो देखेंगे, राइट। किसके अंदर? रिसिपियंट के अंदर, रिसिपियंट के अंदर, राइट। सो कीमोथेरेपेटिक एजेंट, कीमोथेरेपेटिक एजेंट क्या होता है, ये ऐसा ट्रीटमेंट है जिसका, जो ऐसा एजेंट्स है जो क्या पैरासाइट्स को किल करते हैं या फिर मैलिग्नेंट सेल को किल करते हैं या फिर मैलिग्नेंट सेल की ग्रोथ कम कर देती है, विथ नो और मिनिमल फार्माको डायनामिक इफेक्ट। सो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, विथ नो और मिनिमल फार्माको डायनामिक इफेक्ट। सो ये क्या करते हैं, फार्माको थेरेपेटिक एजेंट्स क्या करते हैं, ये पैरासाइट्स को किल करते हैं, और दीज एजेंट्स किल्स द पैरासाइट्स एंड मैलिग्नेंट सेल्स इन पेशेंट्स बॉडी विथ नो और मिनिमल फार्माकोडायनामिक इफेक्ट। ओके, सो इस तरीके से दो ड्रग्स के डिवीजन हो गए। उसके बाद आगे चलते हैं गाइस, आगे जाने के बाद हमको पता चलेगा कि व्हाट इज टॉक्सिकोलॉजी, राइट। टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है? टॉक्सिकोलॉजी ये एक स्टडी है, ऑफ कोर्स ये एक स्टडी है, किसकी स्टडी है? पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग, राइट, या फिर एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग, ठीक, या और फिर ड्रग्स की या फिर अदर केमिकल्स की। और अदर केमिकल्स कौन से होंगे? जो भी हाउसहोल्ड होगा, एनवायरनमेंट के अंदर नेचुरल पॉल्यूटेंट होते हैं, उसके बाद इंडस्ट्रियल के पॉल्यूटेंट होते हैं, एग्रीकल्चर, होमिसाइडल, ये सारे इफेक्ट्स जो होते हैं अदर केमिकल्स के या फिर ड्रग्स के, ये सारा चीज हम पढ़ेंगे किसके अंदर? पढ़ेंगे फार्माको, सॉरी, टॉक्सिकोलॉजी में, राइट। सो यह सारा चीज हम पढ़ेंगे टॉक्सिकोलॉजी। सो इट इज, व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन इज नथिंग बट इट इज द स्टडी ऑफ अ पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अदर केमिकल्स, ऑल्सो एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ दैट ड्रग, राइट। दिस इज नथिंग बट एन व्हाट? दिस इज नथिंग बट टॉक्सिकोलॉजी। नाउ अब भी हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर, ड्रग नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। राइट, ड्रग नोमेनक्लेचर के अंदर हम देखते हैं ड्रग कितने टाइप के होते हैं, नाम उसको तीन तरीके से दिया जाता है। पहला एक होता है कि उसका केमिकल नाम, केमिकल नेम, फर्स्ट नेम इज व्हाट? केमिकल नेम। इन केमिकल नेम वी आई होप यू ऑल हैव नो दैट दैट IUPAC नेम एंड ऑल, राइट। सो अगर एग्जांपल देना चाहूँ तो 1-isopropylamino लिख के दू, ओके, 1-isopropyl अमाइनो 3-1-नेप्थ, अरे यार ये तो मिस हो गया, कोई बात नहीं, आ गया, नेप्थॉल, नेप्थिलोक्सी, नेप्थिलोक्सी, वन, दिस इज वन आइसोप्रोपाइलामाइन, 3-1-नेप्थिलोक्सी प्रोपेन, 2-ऑल, राइट। ये हो गया केमिकल नेम, ये किसका केमिकल नेम है गाइस? ये केमिकल नेम है प्रोपेनॉल का, प्रो प्रे नोलॉल, राइट, प्रोप्रेनोलॉल। ये बहुत वेरी कॉमन ड्रग है, दिस इज ड्रग, वेरी कॉमन ड्रग, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। दिस इज वेरी कॉमन ड्रग और ये यूज होता है कंट्रोल द हार्ट रेट, राइट, टू डिक्रीज द हार्ट रेट, पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन। सो दिस इज नथिंग बट अ बीटा ब्लॉकर एजेंट, राइट, अ बीटा ब्लॉकर, राइट, दिस इज नथिंग बट बीटा ब्लॉकर, दिस इज बीटा ब्लॉकर,
ओके गाइस, सो गोइंग विल गो फर्दर. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट इज केमिकल नेम. सो अब बताओ मुझे, ये नेम यूजेबल है क्या? मतलब हमको अगर प्रोपेनॉल ड्रग देना है, सो हम ये केमिकल नेम यूज कर सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं क्या? प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? 1-isopropylamine, 3-naphthaloxy, प्रोपेन, 2-ol, ऐसा लिख के दे सकते हैं पेशेंट को? ऑफ कोर्स प्रिस्क्रिप्शन के लिए बहुत इजी नहीं रहेगा और किसको पढ़ने के लिए भी दिक्कत आ सकती है, राइट? बहुत डिफिकल्ट है ये वे यूज करने के लिए, राइट? सो दैट्स व्हाई दिस इज ओनली अ केमिकल नेम. वी एवरीबडी यूज दिस, बट नोबडी, नो डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब यूजिंग दिस केमिकल नेम, राइट? सो उसके बाद आते हैं दो टाइप, नॉन प्रोपराइटरी नेम एंड प्रोपराइटरी नेम, राइट? नॉन प्रोपराइटरी नेम दो प्रकार के होते हैं. एक होता है जेनरिक, नॉन प्रोपराइटरी नेम को हम जेनरिक नेम बोलते हैं, राइट? बीच बीच में अभी बहुत सारा आपने देखा होगा कि जेनरिक नेम, जेनरिक दवाई, जेनरिक दवाइयाँ, जेनरिक दवाइयाँ, उसी तरीके से जेनरिक नेम. ड्रग्स नेमिंग में प्रोपराइटरी नेम भी आता है. प्रोपराइटरी नेम मतलब क्या? ब्रांड नेम होता है. व्हाट इट इज ब्रांड नेम? ब्रांड नेम, दिस इज नॉन ब्रांड नेम और जेनरिक नेम. इसके अंदर प्रोज और कॉन्स क्या बताएंगे? जेनरिक नेम्स अगर, हाँ, जो भी आर्गुमेंट चल रही थी जेनरिक यूज करो उसके लिए, सो इन दिस थिंग्स व्हाई दे वर सपोर्टिंग दिस जेनरिक नेम, बिकॉज दे हैव अ यूनिफॉर्मिटी. एवरीबडी विल यूज, इफ जस्ट सपोज कि इंडिया में हर एक डॉक्टर जेनरिक नेम यूज कर रहा है, सो उसके अंदर हर ड्रग की यूनिफॉर्मिटी रह जाएगी, कन्वीनियंस हो जाएगा पेशेंट को या फिर हर एक बंदे को कि इजिली अवेलेबल हो जाएगी हर जगह, पता चल जाएगा. उसके बाद बेटर कॉम्प्रहेंशन होगा, बिकॉज एज वी नो दैट दिस ड्रग इज दिस, सो वी नो दैट इट इज अवेलेबल एंड व्हाट इज उसका ब्रांड नेम. से हमको पता नहीं चलता कि उसके अंदर एग्जैक्टली कौन सा ड्रग है. इससे हमको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि उसके अंदर ड्रग्स कौन सा है. जैसे हम अभी सबसे ज्यादा चल रही है, कौन सी चल रही है? एकदम कॉमन, डोलो 650, राइट? डोलो 650, कैलपॉल और एवरीथिंग, ये सारे ब्रांड नेम है. उसके अंदर का जेनरिक नेम अगर पूछा जाए तो पैरासीटामोल, राइट? सो पैरासीटामोल अगर हम बोलेंगे तो सबको पता चलेगा पैरासीटामोल है, राइट? सो यूनिफॉर्मिटी रह जाएगी, कन्वीनियंस रह जाएगा, बेटर कॉम्प्रहेंशन होगा. मतलब ठीक है, डायरेक्ट पैरासीटामोल दिया, पता चल गया. उस तरीके से अगर डोलो 650 दिया, कैलपॉल दिया, क्रोसिन दिया, सो अगर उसको पता नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं रहेगा कि डोलो 650 के अंदर क्या है, राइट? सो या फिर और एक XT पैरा 1000 mg की आती है पैरासीटामोल, सो ये भी पैरासीटामोल ही है. सो ऑल दीज ड्रग्स आर वेरी यूजफुल, बट दीज आर ब्रांड नेम. सो हमको पता नहीं होता, न्यू कोई भी कंपनी आएगी, नया पैरासीटामोल ही बेचेगी, लेकिन वो अलग फलाना फलाना नाम से बेचेंगे, हमको पता नहीं है. सो वो यूज टू फेमस होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, राइट? और दूसरा चीज की जेनरिक जो ड्रग होते हैं वो इकोनॉमिक होते हैं, मतलब सस्ते होते हैं थोड़े से, राइट? बिकॉज द ब्रांड वैल्यू कम हो जाती है इसमें. एग्जैक्टली, ब्रांड वैल्यू. ब्रांड क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट का पैसा आ जाता है. एग्जैक्टली, बहुत सारे टेस्टिंग और उसके बाद उसमें थीसिस करना, रिसर्च करना, एवरीथिंग, वो कंटिन्यूअस उनका रिसर्च चलते रहता है. सो ये सारी चीजें उसके लिए पैसा लगता है, वो सारा इस कॉस्ट उसकी मेडिसिन की कॉस्ट बढ़ा देता है. अब इसके अंदर अगर क्यों ना यूज करते हम, क्यों नहीं यूज करते? बिकॉज एक उसके ऊपर जनरिक, इसके ऊपर ऑफिशियल कंट्रोल नहीं रहता किसी का, राइट? माल फंक्शनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरर के ऊपर ऑफिशियल कंट्रोल नहीं रहता. क्वालिटी क्वालिटी कैसी है उसकी, ये नहीं रहता. उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, मतलब तुरंत अवेलेबल है नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती ज़्यादातर. उसके बाद नॉट रिगरस रहता है ये. उसके बाद अगर हम, ये हो गया जेनरिक नेम. अब बताता हूँ ब्रांड नेम. ब्रांड नेम इज व्हाट? प्रोप्राइटरी नेम. सो प्रोप्राइटरी नेम वॉज, एक कोई भी कंपनी अपना का फलान फलान ड्रग बनाएगी और उसको एक नाम दे देगी, जैसे अभी डोलो 650 मैंने बोला. सो अभी ये सारे ड्रग ले रहे तो मुझको कुछ पैसा वगैरह नहीं मिल रहा है, डोंट वरी. सो ये जस्ट कॉमन नेम है जो यूजुअली यूज हो रहा है, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ, राइट? सो ताकि आपका, आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो और आप को रिलेट कर पाए मैं जो क्या बोल रहा हूँ उससे. ओके गाइज, सो ब्रांड नेम के अंदर उसकी क्वालिटी क्या होती है? एक तो उसमें कंसिस्टेंसी रहती है, दूसरा उसके बायो अवेलेबिलिटी अच्छी रहती है, उसके ऊपर ऑफिशियल कंट्रोल रहता है, उसके मैन्युफैक्चरर के ऊपर उसकी क्वालिटी कैसी है इस तरीके के लिए. उसके बाद ये नॉन रिगरस रहते हैं. ओके गाइज, सो आगे चलते हैं. आगे हम देखते हैं गाइज कि ड्रग कंपेंडिया क्या होता है. ड्रग
कंपेंडिया, राइट। सो ड्रग कंपेंडिया ये एक नथिंग बट ये एक कंपाइलेशन होता है ड्रग्स का। उसके अंदर ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है फॉर्म ऑफ एक मोनोग्राफ के तरीके से, या थ्योरेटिकल कंसेप्ट उसके अंदर रहते हैं, मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है वो सब रहता है, और अदर एस्पेक्ट जो भी उस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए या फिर ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो भी है, ये सारा कुछ इसके अंदर मौजूद होता है। ये बहुत सारा हर एक कंट्री का अलग अलग होता है, हर एक कंट्री इसको यूज करती है जो गवर्नमेंट होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, इसको दो तरीके से ये रखा जाता है। एक होता है फार्माकोपियाज और दूसरा होता है एक होता है फार्माकोपियाज और दूसरा होता है फॉर्मुलरीज, राइट। गवर्नमेंट जो भी होती है कंट्री की, वो ये दो प्रकार से ले जाते हैं, और इसका एक लीगल स्टेटस होता है जो कि ऑफिशियल, और उसको ऑफिशियली क्या बोलते हैं, कंपेंडिया, राइट। इसका लीगल स्टेटस होता है और इसको ऑफिशियली क्या बोलते हैं, कंपेंडिया, राइट। इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो तुम लीगली यूज कर सकते हो इन कोर्ट ऑफ लॉ ऑल्सो, राइट। आई थिंक ऑल द प्रोफेशनल बॉडीज डू दिस, आई थिंक। ओके गाइज, मेरे इंफॉर्मेशन में तो इतना ही है, राइट। फिर आगे चलते हैं। एक छोटा छोटा उड़ते उड़ते मैं बता देता हूँ, मतलब ज्यादा जो जो इम्पोर्टेंट है। फार्माकोपियाज ये होता है जो जिसके अंदर केमिकल स्ट्रक्चर ड्रग्स के मौजूद होते हैं, मॉलिकुलर वेट क्या होता है वो बताया जाता है, फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, सोल्युबिलिटी क्या होती है ड्रग्स की, आइडेंटिफिकेशन और एसेज और ये सारी चीजें, उसकी प्योरिटी, स्टोरेज कंडीशन कैसे होना चाहिए, डोजेस फॉर्म उसका क्या है, और जो ऑफिशियली कंट्री ने अप्रूव किया है, मीन्स लाइक अगर हमारे इंडिया में अगर किसी डोज का ये किसी कोई ड्रग है और उसका डोज इतना अप्रूव है, इतना यूज कर सकते हो, वही हर कंट्री में होगा ऐसे नहीं है, वहां पर मे बी लेस डोज इज रिकमेंडेड फ्रॉम द कंट्री कंट्री ओके गवर्नमेंट ऑफिशियल फ्रॉम दैट। ये सारा चीज कहाँ पर आपको मिलेगा, ये उस कंट्री के फार्माकोपियाज में मिलेगा, राइट। उस तरीके से इंडियन फार्माकोपियाज होता है उसको क्या बोलते हैं, आईपी। आई होप आप पढ़ पा रहे हो, ये आईपी उसको बोलते हैं, आईपी। ब्रिटिश का जो फार्माकोपिया है उसको बोलेंगे बीपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया। आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया। उसके बाद यूरोपियन फार्माकोपिया को EURP, यूरोपियन फार्माकोपिया। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को USP बोलेंगे, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, राइट। और आगे चलते हैं फॉर्मुलरीज। फॉर्मुलरीज क्या होती है, ये जनरली एक ये प्रोड्यूस करते हैं इन इजीली कैरीड आउट बुकलेट के फॉर्म में, मीन्स एक बुकलेट होता है जो इजीली कहीं भी लेके जा सकते हैं। उसके अंदर ज्यादा कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं रहता है, इसके अंदर सिर्फ इंडिकेशन होता है, डोसेस होते हैं, डोसेस फॉर्म होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं, प्रिकॉशंस होते हैं, एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, और स्टोरेज ऑफ सिलेक्टेड ड्रग्स, ये सारी इंफॉर्मेशन हम उसके अंदर अवेलेबल होती है, ड्रग्स दैट आर अवेलेबल फॉर द मेडिसिनल यूज इन द कंट्री। ओके, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर अवेलेबल होगी। उस तरीके से फॉर्मुलरीज को क्या बोलेंगे, एक इंडिया की फॉर्मुलरीज होगी उसको क्या बोलेंगे, नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया, NFI, राइट, NFI। उसके बाद ब्रिटिश की फॉर्मुलरी को क्या बोलेंगे, ब्रिटिश नेशनल फॉर्मुलरी। लाइकवाइज दे हैव दीज फॉर्मुलरीज। ओके गाइस, आगे चलते हैं। व्हाट इज असेंशियल मेडिसिन अकॉर्डिंग टू WHO, ये MCQ आ सकता है गाइस, दिस कैन बी द MCQ। ओके, बिकॉज WHO का जो भी होता है वो सारा इंपॉर्टेंट हो गया। सो असेंशियल मेडिसिन ऑफ WHO, ये नेशनल लिस्ट ऑफ असेंशियल मेडिसिन हमारे इंडिया ने एक पब्लिश किया है, उसके अंदर 348 मेडिसिन असेंशियल मेडिसिन इंक्लूड किया गया है, राइट। ये असेंशियल मेडिसिन होता क्या है, असेंशियल मेडिसिन आर दोज दैट सेटिस्फाई दी प्रायोरिटी ऑफ हेल्थ केयर नीड्स ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन। ओके, हेल्थ केयर नीड्स ऑफ दी कंट्रीज पॉपुलेशन, दिस इज वॉट असेंशियल मेडिसिन। ओके गाइज, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वॉट इज असेंशियल मेडिसिन। अगेन आई एम टेलिंग यू, असेंशियल मेडिसिन
एज डिस्क्राइब बाय WHO, एज डिस्क्राइब बाय WHO इज दैट आर दोज मेडिसिन या फिर दोज प्रोडक्ट दैट सेटिस्फाइज द प्रायोरिटी, दीज आर प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ दी पॉपुलेशन। ओके गाइज, सो हिंदी में बताओ। सो ये ऐसी चीज, ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कंट्री के या फिर हेल्थ केयर नीड्स ऑफ दी पॉपुलेशन, जो कंट्री के पॉपुलेशन है उनकी हेल्थ केयर नीड प्रायोरिटी बेसिस पे सेटिस्फाई करता है। जो प्रायोरिटी, ओके, जो प्रायोरिटी क्या है, हेल्थ केयर नीड्स उसकी मेंटेन रहे, मतलब कंट्री के पॉपुलेशन की हेल्थ केयर अच्छी बनी रहे, इसके लिए जो एसेंशियल ड्रग्स इम्पोर्टेंट जरूरत है वो सारे मेडिसिन एसेंशियल मेडिसिन के अंदर आते हैं, ये WHO ने बोला। और इंडिया के एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के अंदर 348 ड्रग मेडिसिन मौजूद है, राइट? सो दिस कैन बी द MCQ। ओके गाइज, नाउ अभी बता, अभी आपको और दो टाइप के ड्रग होते हैं जो प्रिस्क्राइब ड्रग्स बोलते हैं हम उसको। एक तो बोलते हैं प्रिस्क्राइब ड्रग, दूसरा होता है नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग। नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग को हम OTC भी बोलते हैं या फिर ओवर द काउंटर ड्रग बोलते हैं, राइट? नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग्स क्या होते हैं, ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो डॉक्टर ने अपने चिट्ठी के ऊपर, चिट्ठी जो होती है, प्रिस्क्रिप्शन पैड जो होता है उसके ऊपर लिख के दिया होगा, और विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन आप इसको बाय नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स, राइट? सो एंटीबायोटिक्स, यू कैन नॉट बाय एंटीबायोटिक्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर, राइट? सो ऐसे जो मेडिसिन होते हैं वो सारे मेडिसिन को हम शेड्यूल H में रखते हैं। इसके बहुत सारे कैटेगरी है, सो अभी फिलहाल आप शेड्यूल H याद रखना, जो ड्रग्स प्रिस्क्राइब से ही, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पैड से ही मिलते हैं, या मतलब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ हो तभी मिलते हैं। दूसरा चीज होता है नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग, जो कि बिना डॉक्टर के, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से भी आपको मिल जाएगा। ये किराना के स्टोर होते हैं, जो ग्रोसरी शॉप होते हैं उसके अंदर भी आपको मिल जाएंगे। इसको हम अलग नाम से OTC ड्रग भी कहा जाता है। सो OTC ड्रग मीन्स व्हाट, ओवर द काउंटर ड्रग मीन्स आपने मांगो और वो तुरंत वो दे देगा। वो इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है एनाल्जेसिक, इसके अंदर आता है एंटासिड, इसके अंदर आते हैं लैक्सेटिव, इसके अंदर आते हैं विटामिन्स, ओके, इसके अंदर आएगा विटामिन्स। सो ऑल दीज ड्रग्स आर OTC ड्रग्स, ओके? सो ओके गाइज, आई थिंक वी विल स्टॉप हियर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल, बिकॉज आई थिंक दिस इज गेटिंग लेंदी, सो यू गाइज ऑल्सो हैव टू फोकस, राइट? सो विल मेक अनदर वीडियो ऑन रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो टुडे वी हैव स्टडीड दिस, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वॉट वी हैव स्टडीड। जस्ट क्विक रिकैप इज दैट वी स्टडीड अबाउट वॉट इज कीमोथेरेपी, वॉट इज टॉक्सिकोलॉजी, वॉट इज ड्रग, हाउ ड्रग नेमिंग इज अकर, राइट? वॉट इज ड्रग नॉमेनक्लेचर, हाउ इट इज टू बी डन। उसके बाद हमने देखा कितने टाइप होते हैं, किस तरीके, कितने तरीके से ये ड्रग्स के नेम दिए जाते हैं, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव स्टडीड। सो उसके बाद प्रिस्क्राइब ड्रग्स क्या होते हैं, नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग्स क्या होती है, असेंशियल ड्रग्स कौन से होते हैं, जेनरिक ड्रग जो होते हैं वो हम क्यों क्यों देने के लिए कहा जाता है, उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या है, उसके बाद ब्रांड नेम, ब्रांडेड ड्रग क्या होते हैं, ब्रांडेड ड्रग क्यों दिए जाते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव स्टडीड सो फार। ओके गाइज, सो आई एम डॉक्टर अनिल साइनिंग ऑफ। डू सब्सक्राइब टू स्टडी मोर, टू गेट मोर नॉलेज, टू इंक्रीज योर मार्क्स इन अपकमिंग एग्जामिनेशन, राइट? एंड बी अ गुड डॉक्टर इन फ्यूचर। सो डू स्टडी, स्टडी मोर। ओके गाइज, थैंक यू। डू सब्सक्राइब, अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही प्यार बनाए रखिए, और आपके दोस्तों को भी बताइए कि सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया है कोई बात नहीं, बाद में कर लेना, पहले जान लीजिएगा कुछ, इससे अगर आपको कुछ फायदा होता है तभी सब्सक्राइब करिएगा। ओके गाइज, धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो इज विल बी ऑन रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन।